क्योंकि हमेशा हमें ये चीज कंफ्यूज करती है कि राइट हैंड शिफ्ट कौन सा है और लेफ्ट हैंड शिफ्ट कौन सा है। अगर कर्व इस साइड में सर के इस साइड में अगर कर्व शिफ्ट होगी तो उसे हम राइट हैंड शिफ्ट ऑफ कर्व कहते हैं। देखिए हम ये कर्व फिर से बनाएंगे लाइक दिस। सो ये जो कर्व अभी दिख रही है दिस कर्व इज शिफ्टेड ऑन राइट साइड। राइट साइड पे कर्व शिफ्ट होगी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है वो कम हुआ। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम हुआ इसका मतलब है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हुआ। सो जितना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा उतनी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। क्लियर फॉर दिस थिंग? और जितना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा ये हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा तो ये जो हीमोग्लोबिन यहां कम सैचुरेटेड है वो ज्यादा सैचुरेट होगा तो ये कर्व फिर से अपनी जगह पे आ जाएगी। ये कर्व जब फिर से अपनी जगह पे आएगी तो उस चीज को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड शिफ्ट ऑफ कर्व। ओके, या तो फिर ओरिजिनल जगह से और भी ज्यादा परसेंटेज सैचुरेशन बढ़े तो उसे भी हम कहते हैं लेफ्ट हैंड शिफ्ट ऑफ कर्व। क्लियर फॉर दिस थिंग? सो कर्व इस साइड में शिफ्ट हुई तो राइट हैंड शिफ्ट और वापस अपनी जगह पे गई तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट। यानी जैसे ही हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कम हुआ कर्व इज शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बढ़ना बोले तो कर्व इज शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन यहाँ कुछ फैक्टर्स है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने में मदद करते हैं, यानी जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होने में मदद करते हैं, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को कम करने में मदद करते हैं। हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ हमें चाहिए कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो, लेकिन एट द लेवल ऑफ टिश्यू जो ब्लड टिश्यू के लेवल पे है यहाँ हमें चाहिए कि जो भी ब्लड में हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिटैच होके टिश्यू को मिले। सो एक ही हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होने में मदद करेंगे और यहां ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करने में मदद करेंगे, ये हमें इस कर्व के ऊपर से ध्यान में रखना है। सो जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा कर्व राइट हैंड में शिफ्ट होगी, और जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगा तब कर्व लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगी। यानी एट द लेवल ऑफ टिश्यू जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होगी और एट द लेवल ऑफ लंग कर्व इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर फॉर दिस थिंग? अब यहां कौन कौन से फैक्टर्स है, तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन टिश्यू को मिला टिश्यू ने इस ऑक्सीजन को यूज किया फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद टिश्यू ने रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर हुआ तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ब्लड का जो पीएच है वो चेंज हुआ। इस चेंज पीएच के कारण हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को छोड़ना शुरू किया। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो अ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द कर्व ऑन राइट साइड आर सबसे पहले इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। This increased partial pressure of CO2 will favors the dissociation of oxygen from hemoglobin, and this particular phenomenon is called as Bohr's effect. बोहर्स इफेक्ट क्या होता है वो डिटेल में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड will favor the dissociation of oxygen from hemoglobin, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कर्व जो है वो राइट हैंड में शिफ्ट होगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करना शुरू कर देगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ब्लड का पीएच भी घटेगा,
ओके एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. सो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन. ओके इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन यानी एसिडिटी ब्लड की बड़ी बड़ी एसिडिटी, उसका मतलब है डिक्रीज पीएच हुआ. सो डिक्रीज इन पीएच. ऑक्सीजन जैसे जैसे लिबरेट होगा हीमोग्लोबिन से तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा. सो डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज, जितना भी सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, इंक्रीज एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज पीएच एंड डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. दीज फाइव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग द कर्व ऑन राइट हैंड साइड. दैट मीन्स इट विल डिसोसिएट द ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड दैट डिसोसिएशन विल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन मेक द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेस. सो द कर्व विल शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड. क्लियर फॉर दिस थिंग? नाउ रिवर्स ऑफ दीज फैक्टर. ओके एट द लेवल ऑफ टिश्यू दीज ऑल फैक्टर्स विल वर्क. क्लियर? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, वी आर हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, वी आर हैविंग मोर टेम्परेचर, वी आर हैविंग लेस पीएच ऑफ ब्लड एंड वी आर हैविंग लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो ऑल दिस फैक्टर टूगेदर विल मेक द ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्रॉम हीमोग्लोबिन बट दीज विल गेट रिवर्स एट द प्लेस ऑफ लंग. सो जैसे ही ब्लड लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा और CO2 डिफ्यूज होना शुरू होगा. सो इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. CO2 कम होगा तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा. सो डिक्रीज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज pH ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज टेम्परेचर. So these are the factors, reverse of these factors. These factors are reverse of these factors. These factors will favor the association of hemoglobin with oxygen and that shift the curve on its original place, that is the left hand shift. Clear for this thing? So same hi hemoglobin ka molecule hai. At the level of tissue, due to all these five reasons, the oxygen will get dissociate from hemoglobin. And at the position of lung, due to reverse of these factors, the oxygen will get associated with hemoglobin. So just to make a list, the factors responsible for right hand shift of curve, right hand shift ke liye kaun se factor responsible hai? So increase PCO2, increase H positive ion concentration, increase temperature, decrease pH and decrease partial pressure of O2. These five factors are responsible for right hand shift of curve. Right hand shift of curve means decrease percentage saturation of hemoglobin. Clear? Now the factors responsible for left hand shift, कौन से फैक्टर लेफ्ट हैंड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इन फैक्टर्स के अपोजिट. इन फैक्टर्स के अपोजिट क्या होगा? तो यहां पे इंक्रीज है तो यहां हमें लेना पड़ेगा डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, डिक्रीज H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिक्रीज टेम्परेचर प्लस इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड इंक्रीज pH is responsible for left hand shift of curve. Left hand shift of curve means increased percentage saturation of hemoglobin. Now the mechanism which will act behind this thing and the Bohr's effect which is mainly responsible for oxygen delivery to the tissue, that we will cover in the next video. So for this video, this is everything regarding the oxygen dissociation curve and all the MCQ we can solve with the help of this information. In the next video, we will cover the Bohr's effect in detail. Thank you.